देखिए खगड़िया जिले की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे प्रमंडल में खगड़िया जिले में सबसे ज्यादा संख्या में नगर निकायों का सृजन हो रहा है इस बार। इसके अतिरिक्त नगर निकायों का उत्क्रमण और नगर निकायों का जो सीमा विस्तार भी हुआ है। लेकिन अभी प्रथम चरण में जो नगर पंचायतें बनी हैं चार, दिलदौर, परबत्ता, इसके अलावा अलौली और मानसी, इसका परिसीमन किया जाना है ताकि आगामी जो चुनाव होंगे वहाँ पे किस प्रकार से वार्डों की संख्या के हिसाब से चुनाव होंगे, वार्ड पार्षद वगैरह बनेंगे, तो इसके लिए एक मानक तय किया गया है विभाग के द्वारा ही और ये संसूचित किया गया जिले को कि किस नगर पंचायत में कितने वार्डों का सृजन किया जाना है और औसत आबादी कितनी वहाँ की होगी। एक बैंड तय किया गया, एक रेंज तय किया गया है कि वोटरों की संख्या 800 से लेकर 1800 सभी नगर पंचायतों के लिए अलग अलग है, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत ही वार्डों की पॉपुलेशन होनी चाहिए और औसत के आसपास हो तो अति उत्तम। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अलौली में जहाँ पर अलौली जो पंचायत था उसी को ही एक तरीके से अलौली नगर पंचायत में परिणत किया जा रहा है। तो पहले वहाँ पर कुल 21 वार्ड थे और 19 वार्ड थे जो आज के दिन में उसको घटाकर 12 वार्ड किया जाएगा नगर पंचायत में। तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ वार्ड होंगे जिनको भी जोड़ने की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने जो बेसिक इसमें रखा है प्रिंसिपल वो ये रखा है कि यथासंभव हम लोगों ने वार्डों का स्वरूप बदला नहीं, जिस प्रकार से पुराने पंचायतों के वार्ड थे उन्हीं को ही जोड़ के आपस में या फिर इंडिविजुअल वार्ड जो है उसको वार्ड में परिणत किया है। कुछ एक जगह पर हम लोगों को वार्ड को तोड़ने की आवश्यकता पड़ी है जनसंख्या का जो मानक है उसके अंदर उसको लाने के लिए। अलौली में कहीं भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, या तो कुछ वार्ड जुड़े हैं एक दूसरे से और एक नया वार्ड बन गया है या फिर यथावत जैसे वार्ड था वैसा ही है, बस उसका वार्ड संख्या बदल गया है। तो इस हिसाब से अलौली में हमारा 19 था पहले वार्ड जो घटकर अब 12 वार्ड नगर पंचायत में होगा, यानी 12 नगर वार्ड पार्षद होंगे। उसी प्रकार से मानसी में 2 पंचायतों को समाहित किया गया है, मानसी नगर पंचायत में उसमें 35 वार्ड थे दोनों मिलाकर, जिसके बाद अब विलय के बाद कुल 18 वार्ड जो हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे। अब वो 14 वार्ड में नगर पंचायत के आ जाएंगे। इसके अलावा परबत्ता में 35 वार्ड थे जिसमें 3 पंचायतें शामिल थी, अब वो 21 वार्ड में सिमट जाएगा। तो परबत्ता और अलौली में हम लोगों को वार्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वार्ड यथावत जैसे था, क्योंकि पूर्व में भी लोग पंचायत चुनाव में भी जिस तरीके से इलेक्शन में भाग लेते आ रहे हैं लगभग वही सीमा क्षेत्र रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मानसिंह और बिलदौर में क्रमशः 8 और 3 पंचायत वार्डों को तोड़कर किसी वार्ड से जोड़ने की आवश्यकता, बिलदौर में पहले 23 थे अब वो 14 वार्ड हो गए हैं। अच्छा, इसमें वार्डों का परिसीमन जो किया गया है सबसे महत्वपूर्ण है कि वार्डों की चौहद्दी बहुत ही स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने कोई संशय ना हो और कोई कंफ्यूजन नहीं हो बाद के दिन में, तो हम लोगों ने इसके लिए जियो टैगिंग का निर्देश दिया है कि जो वार्ड है उसके चारों कोने को और साथ में बीच में 2-3 जो लैंडमार्क्स हैं उसके जियो टैगिंग करा के रख ली जाए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कहां से कहां तक वार्ड की सीमा है। यथासंभव किसी नदी नाले या फिर रोड के माध्यम से जो विभक्त एरियाज हैं उनको अलग करने का निर्देश भी दिया गया है। कल जो है व्यापक तौर पे चारों नगर पंचायतों में हम लोग स्वयं भी अलौली नगर पंचायत में उसका भ्रमण करूंगा और जो भी परिसीमन तय किया गया उसको हम लोग चेक करेंगे कि सही तरीके से सही परिसीमन तय जो सीमा तय की गई वो सही है कि नहीं बाउंड्री, और अगर कोई गलती है तो उसको हम लोग को ठीक कर लेना है। अभी 24 तारीख तक इसका प्रकाशन हम लोगों ने 11 तारीख को किया था, 11 फरवरी को 24 तारीख तक इन चार नगर पंचायतों में जो भी दावा पत्र है नागरिक कर सकते हैं, ये इसका आधार कुछ भी हो सकता है लेकिन जो भी पोषणीय आधार होगा उस पर विचार करते हुए हम लोग 5 मार्च तक इसको फाइनल कर लेंगे। इसके उपरांत कमिश्नर महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इसको विभाग को भेजा जाएगा।